नमस्कार दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में दोस्तों बड़ी जबरदस्त वैकेंसी आई है 10th पास और 12th पास के लिए। दोस्तों इतनी जबरदस्त वैकेंसी कि आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, मेल हो या फीमेल हो आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों बेसिकली आज इस वीडियो में हम जानेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, सैलरी पैकेज, एज क्राइटेरिया, आपकी पोस्टिंग कहां पे होगी और आपका वर्कलोड क्या होगा। तो दोस्तों सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे, तो अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना और दोस्तों वीडियो पूरी जरूर देखना क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें समझेंगे, फॉर्म को भर के देखेंगे क्या क्या इसमें क्राइटेरिया मांगा है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए। जो वैकेंसी निकली दोस्तों वो निकली है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में। जो आपकी पोस्टिंग होगी वो होगी इसके अंतर्गत एक बॉडी आती है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडायवर्सिटी में। जो 10th पास की वैकेंसी है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, 12th पास की जो वैकेंसी है वो है लोअर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर की। सारी बातें इस वीडियो में हम कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 10th पास के लिए। जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है उसमें 1800 का ग्रेड पे मिलेगा, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग इसमें जो सैलरी बनेगी वो बनेगी 20,000 से 25,000 इनिशियली और एवरी ईयर आपका इंक्रीमेंट के साथ साथ सैलरी बढ़ती रहेगी। एज की बात करें तो दोस्तों 18 साल से 27 साल इसमें एज की बात करी गई है। अब आ जाते हैं 12th बेस पे जिसमें कि लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है, 1900 रुपए का ग्रेड पे 25,000 से 30,000 आपकी इनिशियली सैलरी बनेगी और इसमें जो ओबीसी की वैकेंसी दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट ही भरे, एमटीएस में सब लोग भर सकते हैं, यूआर ओबीसी एससी एसटी सब लोग भर सकते हैं। इसमें जो ओबीसी में बात करते हैं हम 12th पास वाली एलडीसी में कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 27 साल इसमें एज लिमिट मांगी गई है। स्टेनोग्राफर की बात करते हैं दोस्तों 12th पास मांगा गया और स्टेनो आपको आनी चाहिए उसमें, तो 2400 रुपए का ग्रेड पे है जिसमें 35,000 से 40,000 आपकी इनिशियल सैलरी बनती है और कम से कम 18 साल ज्यादा ज्यादा 27 साल इसमें एज होनी चाहिए। अब आपको बता देता हूं दोस्तों एज रिलैक्सेशन के बारे में। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। बड़ी जबरदस्त जॉब है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी जॉब लोकेशन क्या होगी। जैसे आप अप्लाई करते हो आप ऑल इंडिया कैंडिडेट कहीं कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो डजन मैटर, आप एक राज्य से दिल्ली से बिलोंग करना चाहिए, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो आप भर सकते हो। तो बेसिकली आपकी जो पोस्टिंग है वो होगी हैदराबाद में, लेकिन आपकी पोस्टिंग होने के बाद जरूरी नहीं है कि आपकी पूरी लाइफ वहीं पे कटे, आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है। जितने भी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडायवर्सिटी के ऑल इंडिया जितने भी इंस्टीट्यूट है, जहां जहां इंस्टीट्यूट है आपकी वहां पे पोस्टिंग हो सकती है। तो हर राज्य में मैक्सिमम में इनके इंस्टीट्यूट होते हैं, तो आप टेंशन मत लेना इस चीज की। अब बात करते हैं इनका सिलेक्शन प्रोसेस की। आपका पहले एग्जाम होगा रिटन एग्जाम, उसके बाद होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में दोस्तों आता है जैसे कि जो आपका टाइपिंग होती है वो आता है एलडीसी और स्टेनोग्राफर के लिए, ये स्किल टेस्ट में होगा। तो दोस्तों अब देख लेते हैं फॉर्म कैसे फिलअप करना है, फिलअप करने के लिए आपको क्या करना होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर क्लिक करना, पेज नंबर 9 ओपन करना, उसका प्रिंट आउट ले लेना, उसमें आपको फॉर्म सारा फिलअप करना है। उसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो आप फोटोज पेस्ट करोगे उस पर डेट जरूर मेंशन कर देना और सेल्फ अटेस्ट कर देना, 2 फोटोज लगानी है उसमें, और जो भी आप फॉर्म भरोगे वो कैपिटल लेटर में भरना है। उसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के सेल्फ अटेस्ट करके आपको सेंड करने हैं इस एड्रेस पर। मैं आपको एड्रेस एक बार बोल के बता देता हूं, द डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडायवर्सिटी दुल्लापल्ली कोमपल्ली एसओ हैदराबाद 500100 पे, यहां पे आपको सेंड करने हैं। दोस्तों फॉर्म भरने से पहले आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप एससी एसटी या वुमेन कैंडिडेट हैं तो फीस फ्री है, आपका ₹1 चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन आप अगर जो जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको ₹300 का डीडी बनवाना पड़ेगा, पेबल एट डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडायवर्सिटी पेबल एट हैदराबाद, इसके नाम से आपको एक डीडी बनवाना है। ये सब लगा के आपको सेंड कर देने हैं जो मैंने अभी एड्रेस बताया आपको। इसके बाद दोस्तों आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे कनेक्ट रहना है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि आपको हमेशा देखते रहना, जैसे ही एडमिट कार्ड आउट होंगे तो फर्स्टली आपका रिटन एग्जाम होगा। दोस्तों इसके अलावा आपका और कोई सवाल या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करने के लिए फोन पे नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।